हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पांच एंड्रॉइड गेमिंग एप्लीकेशन। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये जो एप्लीकेशन है, जिस सीक्वेंस में है, ये इस वजह से नहीं है कि कौन सी बढ़िया है, ये पाँचों ही बेटर है और ये पाँचों की पाँच शूटिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, जो पाँचवीं एप्लीकेशन है वो है कवर फायर। जी हाँ दोस्तों, कवर फायर में आपको लड़ना होता है अपोनेंट से, और वो ये पूरी तरह से ऑफलाइन गेम है, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करना होता है अपनी टीममेट्स को। और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, वैसे वैसे आपके टीममेट भी बढ़ेगी। आप इसे गूगल प्ले स्टोर पे काफ़ी आसानी के साथ में डाउनलोड कर सकते हो। आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन की तरफ, यानी नंबर फोर पर। तो नंबर फोर पर है नोवा लेगेसी। नोवा लेगेसी भी पूरी तरह से ऑफलाइन गेम है, लेकिन इसमें कुछ इवेंट आते हैं। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी प्ले कर सकते हैं। इसमें नोवा की स्टोरी लाइन तो नहीं है, लेकिन आपको ये गेम पूरी तरह से एक स्पेसशिप पर खेलने को मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे नए नए वेपन्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ लड़ना होगा अपोनेंट टीम से। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, चाहे तो डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नंबर तीन पर आता है स्नाइपर 3D। तो दोस्तों, स्नाइपर 3D की ग्राफिक का कोई जवाब नहीं। ये काफ़ी अच्छी ग्राफिक वाला गेम है, और ये आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर। आपको मिशन करने होते हैं कुछ। इसमें आपको काफ़ी सारे वेपन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसका प्रीमियम डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिशंस करने होते हैं, वांटेड मिशंस होते हैं और प्राइमरी मिशंस होते हैं। इसमें से अगर आप चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपने एक सिटी के पूरे मिशन कंप्लीट कर लिए, तो आपको मिलेगी नेक्स्ट सिटी में आपको करने होंगे काफ़ी सारे मिशन। तो दोस्तों, ये भी पूरी तरह से ऑफलाइन गेम है, लेकिन अगर आप नई पिस्टॉल बाय करते हो या फिर कुछ वेपन बाय करते हो, तो उस वेपन का डेटा लेने के लिए कुछ देर तक डेटा कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नंबर टू की तरफ। नंबर टू पर है मॉडर्न स्ट्राइक। ऑनलाइन भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू हीरोज की तरह है, या फिर गन्स ऑफ बूम की तरह है। दोनों में आपको यहाँ पर मिल जाती है एक अपोनेंट टीम, और आपकी टीम वाले भी आपके साथ होते हैं। आपको उन्हें डिफीट करना होता है, और आपको यहाँ पर काफ़ी सारे वेपन मिल जाते हैं, जिससे आपको उन्हें डिफीट करने में आसानी होगी। इसके बाद दोस्तों, बढ़ते हैं एक नंबर वन की तरफ। नंबर वन जो है, तो दोस्तों, नंबर वन स्नाइपर गेम हो या फिर शूटिंग गेम हो, और ये वाला गेमिंग एप्लीकेशन ना हो तो क्या बात है। इसे रखना ज़रूरी है, और ये बहुत ही बढ़िया गेमिंग एप्लीकेशन है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। बात कर रहा हूँ हिटमैन स्नाइपर की। अगर हम हिटमैन सीरीज़ को देखें, तो हिटमैन 1 और हिटमैन 2 काफ़ी बढ़िया गेमिंग एप्लीकेशन है, और काफ़ी बढ़िया ग्राफिक है, लेकिन इनकी साइज़ ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें हिटमैन 2 की, तो हिटमैन 2 की साइज़ है 100 GB। जी हाँ। और अगर हम बात करें यहाँ पर एंड्रॉयड पर मौजूद हिटमैन स्नाइपर की, तो इसकी साइज़ आपको देखने को मिल जाएंगी 500 से 600 MB तक इसकी साइज़ है। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको पैसे देना होंगे गूगल को। गूगल से आपको ये बाय करना होगा। और अगर हम बात करें इस गेमिंग एप्लीकेशन के ग्राफिक की और इसके लुक की, तो ग्राफिक तो काफ़ी बढ़िया है। हम हिटमैन सीरीज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ग्राफिक कैसे होगा। और अगर हम बात करें इसके लुक की, ये कैसा है, तो आपको इसमें वही आपका एजेंट 47 देखने के लिए मिल जाएगा, और उसका जो AI है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नई अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।